अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल टी पी इन्फो। हम जो है लेक्चर सीरीज शुरू की हुई है फार्मेसी टेक्नीशियंस के जो सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। इसमें लेक्चर 10 जो है कंप्यूटर्स का, ये पिछली दफ़ा सही नहीं बना था, इसको मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ, तो ताकि जो है पिछले कल लेक्चर में जो कन्फ्यूजन थी वो ख़त्म हो जाए। तो इस लेक्चर 10 में आज हम पढ़ेंगे डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस का मतलब होता है कि डाटा का तज्जिया करना, डाटा की जांच पड़ताल करना, डाटा को देखना और उसको इस तरह देखना कि उससे आप डिसीजन ले सकें और डाटा के जो तरीक़ाकार है, पैटर्न है, उससे मदद उसकी मदद से आप जो है कोई नई चीज़ बना सकें, ठीक है ना। तो ये है डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस का आज हम पढ़ेंगे हॉस्पिटल के हवाले से, पेशेंट की केयर के हवाले से पढ़ेंगे और उसकी पेशेंट को जो मेडिसिन परचेज़ करनी होती है उसकी कॉस्ट मैनेजमेंट के हवाले से और पूरा जो पेशेंट का प्रोसेस होता है हॉस्पिटल के अंदर उसके हवाले से आज हम डाटा एनालिसिस जो है पढ़ेंगे, यानी वर्क फ्लो इम्प्रूवमेंट के हवाले से कि किस तरह डाटा एनालिसिस का अहम किरदार है इन तमाम चीज़ों के अंदर। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर जो है बगैर टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि डाटा एनालिसिस को डिफ़ाइन किस तरह करते हैं। तो अगर डाटा एनालिसिस को आपने डिफ़ाइन करना है तो इसको इस तरह हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। डाटा एनालिसिस का मतलब यह होता है कि टू फाइंड यूज़फुल इंफॉर्मेशन, लुकिंग एट डाटा टू फाइंड यूज़फुल इंफॉर्मेशन। यानी डाटा एनालिसिस का मतलब होता है कि डाटा को देखना, इस मकसद से देखना कि वहाँ से आप जो है काबिल इस्तेमाल जो है मुफीद मालूमात हासिल कर सकें और डाटा को इस तरह देखना कि अंडरस्टैंड पैटर्न्स डाटा के अंदर कौन कौन सी चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, यह डाटा किस तरह शो हो रहा है पेशेंट का और किस पैटर्न के मुताबिक काम कर रहा है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, ये भी डाटा एनालिसिस में आता है। और मेक डिसीजन बेस्ड ऑन व्हाट यू फाइंड, जब आप डाटा को देखते हैं, लुक आफ्टर करते हैं, तो उसकी बुनियाद के ऊपर जो है आप देखते हैं कि आप डाटा के को मद्देनज़र रखते हुए इसके ऊपर कौन से डिसीजन ले सकते हैं फॉर दी बेटरमेंट ऑफ पेशेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट या उसकी केयर के हवाले से या किसी भी वर्क फ्लो के हवाले से, ठीक है ना। दूसरी डेफिनेशन है डाटा एनालिसिस की, डाटा एनालिसिस मींस लुकिंग एट डाटा टू फाइंड यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड मेक बेटर डिसीजन। डाटा एनालिसिस का मतलब होता है कि डाटा को देखना यानी उसको जाँच पड़ताल करना, परखना कि उससे आप मुफीद मालूमात हासिल कर सकें और उसकी मालूमात की बेस के ऊपर आप अच्छे डिसीजन ले सकें, ठीक है। तो ये डाटा एनालिसिस की थोड़ी डेफिनेशन होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि डाटा एनालिसिस की इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी अहमियत क्या है। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, यानी आप समझेंगे जो डॉक्टर्स होते हैं या फिजिशियन होते हैं, उनको ज़रूरत होती है कि वो जो पेशेंट के लिए काम कर रहे हैं वो बेहतर तरीके से काम कर सकें, एफिशिएंट तरीके से काम कर सकें और बजट को, जो पेशेंट का बजट है उसको, उसकी लिमिट को अंदर रहकर जो है पेशेंट की बेहतरी में के तौर पर काम करें। डॉक्टर जो है उसको ज़रूरत होती है कि वो बेटर एंड फास्टर केयर करें, यानी पेशेंट की जो है अच्छी और तेज़ तरीन उसकी रहनुमाई करें, उसकी हिफाजत करें, उसको ट्रीट करें पेशेंट को, ख़ास तौर पर रिड्यूसिंग द टाइम पेशेंट स्पेंड इन ICU विदाउट लोअरिंग द क्वालिटी ऑफ केयर। यानी ख़ास तौर पर डॉक्टर जो है पेशेंट की किस तरह केयर करना चाहते हैं कि वो ICU में जो इंटेंसिव केयर यूनिट होता है पेशेंट का, उसके अंदर उसका वक्त कम से कम गुजरे, यानी जो इंतहाई नगहदाश्त का यूनिट है जिसमें पेशेंट जो है ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में होता है, वहाँ पर उसका टाइम कम से कम गुजरे और उसकी क्वालिटी जो है बेहतर हो सके, क्वालिटी इस तरह बेहतर हो सके कि टाइम कम लगे और क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ ना हो, और इस तरह जो है जो टफ प्रॉब्लम है जो पेशेंट के लिए हैं उसके लिए, उसको सॉल्व करने के लिए डाटा एनालिसिस बहुत ज़रूरी होती है। उसका एनालिसिस यानी तज्जिया करना, जो डिफरेंट पेशेंट होते हैं उसका रिकॉर्ड को जब हम मेंटेन रखते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, तो जब हम उसको देखते हैं मुख्तलिफ पेशेंट की हिस्ट्री, तो इससे मदद मिलती है कि किस तरह जो है जो नेक्स्ट पेशेंट हैं उसको हम बेटर केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। GE हेल्थ केयर जो है एक हैज़ टूल टू कलेक्ट पेशेंट डाटा। GE हेल्थ केयर आप समझें एक मल्टीनेशनल इंटरनेशनल कंपनी है जो कि मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट बनाती है हेल्थ केयर के मुतलिक, जिसमें मुख्तलिफ तरह के चीज़ें शामिल होती हैं, जिसमें हेल्थ केयर
की टेक्नोलॉजी शामिल होती है। मिसाल के तौर पर ये LG इलेक्ट हेल्थ केयर जो है कंपनी, ये सेंट्रिसिटी क्रिटिकल केयर यूनिट बनाती है, जिसकी मदद से जो है वो मुख्तलिफ डिवाइसेस का डाटा कलेक्ट करके उसको डाटा एनालिसिस के तौर पर पेशेंट की केयर के बेटर बनाने के लिए इस्तेमाल करती है। ठीक है, जो इसके पास मुख्तलिफ टूल्स होते हैं जी हेल्थ केयर के पास, वो उसको इस्तेमाल में लाती है, किस लिए कि वो दे आर वेल पोजिशन एंड टू एनालाइज दिस डाटा टू इम्प्रूव केयर एंड रिड्यूस कॉस्ट। उन टूल्स की मदद से वो डाटा को अच्छी तरह एनालाइज कर सके, यानी उसको तजिया कर सके, और उस डाटा की मदद से वो जो केयर है जो कॉस्ट है केयर को बेहतर बना सके और कॉस्ट को कम कर सके जो पेशेंट की ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट आती है हेल्थ के दौरान। ठीक है, ये और डाटा एनालिसिस की इंपॉर्टेंस है। अब हम डाटा एनालिसिस देखते हैं फर्दर। डाटा एनालिसिस फॉर केयर मैनेजमेंट। केयर मैनेजमेंट में ये आता है कि सेंट्रिसिटी क्रिटिकल केयर सिस्टम फ्रॉम द GE हेल्थ केयर कलेक्ट्स पेशेंट्स इंफॉर्मेशन। जी हेल्थ केयर आप समझिए एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसका जो एक सॉफ्टवेयर है सेंट्रिसिटी क्रिटिकल केयर सिस्टम, यानी इसका आप एक सॉफ्टवेयर समझें, वो क्या करता है डाटा को कलेक्ट करता है। कैसा डाटा? सच एज डाटा फ्रॉम मेडिकल डिवाइसेज एंड सिस्टम। वो डाटा कलेक्ट करता है किससे? मेडिकल डिवाइसेज से और सिस्टम से, मुख्तलिफ से सॉफ्टवेयर से डाटा कलेक्ट करके एक जगह रखता है। और वो जो डाटा होता है यानी ऐसी मालूमात होती हैं जो कि मुफीद होती हैं पेशेंट के लिए और फिजिशियन के लिए। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग रिपोर्ट्स कंपेयरिंग परफॉर्मेंस एंड टैकल पेशेंट फॉर रिसर्च स्टडी। यानी ये जो केयर मैनेजमेंट सिस्टम होता है ये सेंट्रिसिटी क्रिटिकल केयर सिस्टम है, जो यानी समझे एक हब है जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म का डाटा एक जगह इकट्ठा हो जाता है। वो डाटा इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट्स जनरेट करने के लिए और परफॉर्मेंस कंपेयर करने के लिए, यानी कौन से सिस्टम के तहत पेशेंट को बेहतर केयर प्रोवाइड हो रही है, किस सिस्टम के साथ कम केयर पेशेंट ट्रीट हुआ, तो इस तरह के कंपैरिजन के लिए जो है सेंट्रिसिटी केयर सिस्टम जो है काम करता है और ट्रैक करता है पेशेंट को ये की हिस्ट्री को। ठीक है ना, इस तरह के यानी जो अगर कोई पेशेंट को इम्पोर्टेंस को मज़ीद बेहतर बनाना है तो हम किसी भी पेशेंट की बतौर रिसर्च स्टडी भी उसको फॉलो कर सकते हैं। किसी एक पेशेंट को ले लें और उसके जो है मेडिकल हिस्ट्री, उसकी ट्रीटमेंट और उसके जो है जितने भी साइड इफ़ेक्ट हैं ड्यूरिंग दी होल प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट अनटिल दे रिकवर्ड, उसको हिस्ट्री को हम एज ए रिसर्च स्टडी भी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें किस में आती हैं? डाटा एनालिसिस फॉर केयर मैनेजमेंट। नेक्स्ट जो है हमारा डाटा एनालिसिस जो है वो है हमारा डाटा एनालिसिस फॉर हॉस्पिटल मैनेजमेंट। हॉस्पिटल मैनेजमेंट में क्रिटिकल केयर सिस्टम इस्तेमाल होता है। क्रिटिकल केयर सिस्टम मैंने आपको पहले ही बताया कि आप समझें एक बड़ा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर छोटी छोटी डिवाइसेस या छोटे छोटे सॉफ्टवेयर का डाटा मर्ज होकर एक जगह पड़ा होता है। जो क्रिटिकल केयर सिस्टम है स्ट्रॉन्ग रिपोर्टिंग टूल्स दैट कैन शो, यानी इस बड़े सॉफ्टवेयर की मदद से हम अच्छी तरह रिपोर्टिंग ले सकते हैं जिसके अंदर हमें पता चलता है हाउ वेल केयर इज़ गिवन, पेशेंट को कितनी अच्छी केयर दी जा रही है, हाउ मच इट कॉस्ट, उसकी केयर के ऊपर कितना खर्चा आ रहा है, हाउ गुड इट इज़, और ये केयर कितनी अच्छी है पेशेंट के लिए। और ये जो सेंट्रिसिटी क्रिटिकल केयर सिस्टम है इसकी मदद से जो है हम अच्छे तरह से एग्जामिन कर सकते हैं पेशेंट को, और जो अननेसेसरी टेस्ट होते हैं पेशेंट केयर के दौरान उससे हम बार बार करवाने से बच सकते हैं। ठीक है, और इससे हमें जो अच्छी केयर है पेशेंट को अच्छी केयर फराहम करना वो आसान होता है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रिसिटी केयर यूनिट। यानी ये डाटा एनालिसिस यानी तज्जिया हो गया हॉस्पिटल मैनेजमेंट के हवाले से। नेक्स्ट है हमारा डाटा एनालिसिस टू सपोर्ट कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट में ये आता है कि सेंट्रिसिटी केयर हेल्प यू कंट्रोल कॉस्ट बाई इम्प्रूविंग हाउ वर्क इज़ डन, मेकिंग इट फास्टर फॉर स्टाफ टू लर्न एंड लुकिंग एट द डाटा इट गैदर्स। इन कॉस्ट मैनेजमेंट के हवाले से जो यानी एक बड़ा जो सॉफ्टवेयर है आप समझें जिसमें तमाम छोटे छोटे डिवाइसेस का, जिसमें आप समझें बिलिंग डिवाइसेस का भी डाटा होता है, तो इसकी मदद से जो है हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और पेशेंट के लिए कम कॉस्ट के ऊपर ज़्यादा क्वालिटी की ज़्यादा केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, और मेकिंग इट फास्टर टू स्टाफ टू लर्न, और सेंट्रिसिटी केयर सिस्टम की मदद से स्टाफ भी इसको अच्छी तरह लर्न कर सकते हैं कि किस तरह की केयर के ऊपर कितनी कॉस्ट आती है, और ताकि वो पेशेंट को
ट्रीटमेंट से पहले इन्फॉर्म कर सके। लुकिंग एट डाटा टुगेदर, और यानी जो डाटा होता है वो सेंट्रल केयर सिस्टम से हम हासिल कर सकते हैं ये तमाम कॉस्ट का डाटा जो है, और कॉस्ट का डाटा को हम डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स का मतलब है कि आप उसको बिलिंग के दौरान जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, और बिलिंग इसकी मदद से जो है आप पेड अच्छी तरह मतलब कि बिल जो है एक्यूरेटली हासिल कर सकते हैं, और पेशेंट को बेटरली उसको फास्टर पेड कर सकते हैं कि पेशेंट उसको आसानी के साथ बिल पेश कर सके और तेज़ी के साथ पेश कर सके विद द हेल्प ऑफ डाटा एनालिसिस टू सपोर्ट कॉस्ट मैनेजमेंट। यानी कॉस्ट मैनेजमेंट का मकसद ये है कि बिलिंग का जो प्रोसेस है वो बेहतर हो सके, और पेशेंट जो है बिलिंग के बाद उसको पेड फास्टर पेश कर सके और कम कॉस्ट के अपनी कम कॉस्ट इस्तेमाल कर सके ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अपनी ट्रीटमेंट के दौरान। ये हो गया डाटा एनालिसिस फॉर कॉस्ट मैनेजमेंट। अब है हमारा डाटा एनालिसिस फॉर वर्क फ्लो इम्प्रूवमेंट। वर्क फ्लो का मतलब होता है कि जो प्रोसेसेस होते हैं किसी भी आप समझे इंडस्ट्री में, जो पहला स्टेप होता है, दूसरा स्टेप होता है, तीसरा स्टेप और फाइनल स्टेप, यानी जितना भी स्टेप होते हैं उसको हम वर्क फ्लो कहते हैं। इसी तरह पेशेंट जब हॉस्पिटल में आया, उसने डॉक्टर को चेक करवाया, उसने मेडिकल स्टोर से या फार्मेसी से मेडिसिन ली, उसको ट्रीट के दौरान इस्तेमाल किया और रिकवर्ड हुआ, ये तमाम जो है प्रोसेस जो है इसको हम क्या कर सकते हैं, वर्क फ्लो कहते हैं। और डाटा एनालिसिस हमारे वर्क फ्लो की इम्प्रूवमेंट में बेहतर बनाने में हेल्प फॉलो करता है। डाटा एनालिसिस के मुताबिक डाटा का तजिया करना, इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन थिंग्स वर्क वेल टुगेदर देयर आर फ्यूअर एक्स्ट्रा टेस्ट एंड केयर गेट बेटर। यानी जब चीज़ें अच्छी तरह चल रही हों तो हमें जो एक्स्ट्रा टेस्ट होते हैं वो कम करवाने पड़ते हैं, यानी हमारी जो कॉस्ट है वो बच जाती है और बेटर केयर मिलती है, वर्क फ्लो इम्प्रूवमेंट यानी बेहतर हो जाता है। जीई है हेल्प यू मेक बेटर मेक योर वर्क स्मूथर। यानी जीई यानी हेल्थ केयर, आपको पहले बताया कि जीई हेल्थ केयर जो है एक ऐसा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट बनती हैं जिसकी मदद से जो है आप सेंट्रिस्टी केयर यूनिट बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिससे आप पेशेंट का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी यानी वर्क फ्लो जी जो की मदद से जो है आप वर्क फ्लो को भी स्मूथ बना सकते हैं, यानी तेज़ और अच्छा बना सकते हैं, एक स्मूथ यानी बगैर किसी रुकावट के पेशेंट हर मरहल से गुजर सकता है। ठीक है, ये हो गया वर्क फ्लो इम्प्रूवमेंट फॉर डाटा एनालिसिस फॉर वर्क फ्लो इम्प्रूवमेंट। लास्ट में आपका टेस्ट है, टेस्ट में आपके दो MCQs होते हैं। MCQs नंबर वन है, व्हाट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ सेंट्रिस्टी केयर यूनिट। सेंट्रिस्टी केयर का जो एक अहम जो है फ़ायदा वो कौन सा है। ऑप्शन वन है इन्हांस्ड ऑफ लर्निंग कर्व। ऑप्शन टू है रिड्यूस रिडेंडेंट एग्जामिनेशन। ऑप्शन थ्री है स्ट्रीमलाइन इनवाइसिंग प्रोसेस। ऑप्शन फोर है फास्टर रीइंबर्समेंट टर्न अराउंड। इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपने कमेंट्स में बतानी है। अगर आपको लेक्चर की समझ आई है तो ठीक है, नहीं तो आप दोबारा सुने इसको ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए और इसके आप आंसर पता कल चल सकें। दूसरा MCQs है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्क फ्लो इम्प्रूवमेंट व्हाट रोल डज जीई प्ले। जीई का क्या किरदार होता है। नंबर वन प्रोवाइडिंग कंप्रीहेंसिव केयर डॉक्यूमेंटेशन। नंबर टू स्ट्रीमलाइन क्वालिटी केयर प्रोसेस। नंबर थ्री ऑफरिंग स्टेटिस्टिकल एनालिसिस टूल। नंबर फोर है सपोर्टिंग एफर्ट टू इनहांस वर्क फ्लो। इसमें से एक सही ऑप्शन है वो आपने बतानी है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फॉर मोर अपडेट प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर दिस चैनल। अल्लाह हाफिज़।